मॉर्निंग बच्चों, कल हम क्या लिए थे? वीडियो 8 में बादल लेसन लिया था ना, तो आज आपको वीडियो 9 में 10th पार्ट है चार मीनार। ओके, तो मैं यहाँ पर शब्दार्थ लिखी हूँ। तो बच्चों, चार मीनार आपको पता है, चार मीनार कहाँ पर है? चार मीनार हैदराबाद में है ना। तो इस पार्ट को हम आज ले रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर कौन सा किला दिखाई दे रहा है? ताजमहल। और यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक्स में दिखाई दे रहा है चार मीनार, है ना। तो ताजमहल भी है और चार मीनार भी आपके बुक में दिखाई दे रहा है। चलो आज पोएम पढ़ेंगे। ओके, एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद, कूली के सपनों का नगर, सुंदर यहाँ की हर डगर। आसमान को छूती मीनारे, मिट्टी की मजबूत दीवारे, इसकी नक्काशी बेमिसाल, इसकी उम्र 400 साल। जिसने चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, इसके मीनार चार हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इस तरह से यहाँ पर जो चित्र दिया है चार मीनार और ताजमहल, लेकिन यहाँ के जो चार मीनार का किला है, इसे किसने बनवाया बच्चों, आपको पता है ना? तो यहाँ एक शहर है बड़ा, अपना हैदराबाद शहर है। हैदराबाद शहर जो जिसके नाम से पहले क्या कहा जाता था हैदराबाद को, कि हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम भी पड़ा था। पहले भाग्यनगर था इसका नाम। ओके, और उसके बाद हैदराबाद नाम आया। भाग्यनगर नाम कैसा पड़ा? जो भाग्यनगर भाग्यमती से एक रानी थी भाग्यमती, उस भाग्यमती से भाग्यनगर नाम पड़ा। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ये बड़ा भारत का महानगर है। तो यह चार मीनार 400 वर्ष पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। किसने बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। इसे भाग्यनगर भी कहा जाता है। कुतुब शाही वंश के शासकों ने, शासक बोल तो राजाओं ने, गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनवाया। तो क्या किए इन कुतुब शाही राजा ने? गोलकुंडा को भी राजधानी बनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से बच्चों, ऐतिहासिक बोल तो हिस्ट्री नहीं, इतिहास के दृष्टि से नजर से गोलकुंडा का जो दुर्ग है, किला है, यहाँ कुतुब शाही समाधियाँ, चार मीनार आदि प्रमुख दर्शनीय स्थान है। दर्शनीय स्थान यानी बच्चों देखने लायक स्थान है। कौन सा स्थान है? गोलकुंडा, चार मीनार। इस तरह से तो यहाँ किला हमें, गोलकुंडा का किला देखने लायक रहता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार इमारत को बनवाया। किसने बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया। बच्चों समझ में आया कौन से राजा बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। यह 400 साल पहले बनाया, 400 years before यह किला बनवाया, इमारत है किला बनवाया। इसके निर्माण में सुल्तान कुली कुतुब शाह की हृदयता से और एकता की भावना दिखाई देती है। इस किले से हमें क्या पता चलता है बच्चों? इस किले से हमें चार मीनारे यानी चार जो मीनार रहते हैं इसके, अब देखें एक 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 मीनार कहाँ है? नामपल्ली में है ना। तो इस तरह से एक एक जो किला रहती है इसका, जो क्या बोलते हैं मुसलमानों में जो इनका मस्जिद रहता है ना एक एक का, तो इस तरह से चार जो मीनार है इसके, तो ये चार मीनार जो खंबे के जैसा रहता है, तो इसके जो चार मीनार है वो हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक भाईचारों का एकता का बल हमें इस मीनार को देखने से मिलता है। बच्चों इसका मतलब है कि भाईचारों का जो एकता का बंधुत्व है, प्यार है, जो जाति अलग रहने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमारे जो है प्रांत जाति के लोग हैं, यहाँ जाति के लोग एकता की भावना देख रखना, एकता की भावना में रहना, इस किले को, चार मीनार के किले को देखकर हम समझ लेना कि यहाँ एकता में हमें जुटाना चाहिए, मित्रता से रहना चाहिए, कभी हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें सीख इस चार मीनार से मिलती है और इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसका यह अर्थ है कि धर्म कितने भी रहे मगर हम सब एक है। कितने भी धर्म रहे, कौन से भी कितने जातियां रहे, लेकिन हम सब भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं और हमें एक
अहिंसा की भावना जतानी चाहिए। सचमुच इसका निर्माण एक असाधारण प्रक्रिया है। सचमुच हमें यह भावना दिखाई देती है। जिसने चार मीनार बनवाया वह क्या पाठ पढ़ाया? मानवता का पाठ पढ़वाया। आसमान की छूती मीनारे मिट्टी की मजबूत दीवारें। आसमान की छूती मीनारे, इसकी जो मीनार रहती है चार मीनार, यह ऐसा दिखता है कि जैसा आसमान को छू रहा है। और इसकी जो किला है उस जमाने में बनवाया था 400 साल, लेकिन वो मिट्टी से इतनी मजबूत है। ऐसा मिट्टी, ऐसे सीमेंट आज मिलती है दुनिया में नहीं ना। इसकी नक्काशी बेमिसाल है। नक्काशी बोलते इस किले पर जो भी आर्ट निकाला हुआ है वो बहुत ही बेमिसाल है। बेमिसाल बोल तो मैंने यहाँ लिखा है कि तारीफ के काबिल, यानी इतना तारीफ करना, वो तारीफ कर हम जो करते हैं वो बहुत ही कम है। जैसे ताजमहल में भी नक्काशी आर्ट निकाले है ना, तो ऐसे पुराने जमाने में जो नक्काशी अपने इस किलों पर निकालते हैं तो इतना सुंदर रहता है कि हमें इसका बहुत तारीफ करने करे तो भी कम है। इतना तारीफ करो वो कम है। तो बच्चों इस तरह से हमें यहाँ अपने भारत देश में देखने के लिए मिलता है। चार सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की नींव डाली, यानी बुनियाद डाली, फाउंडेशन। कुली कुतुब शाह के मन में किला और कलाकारों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, भक्ति थी। किला बनवाना, आर्ट निकालना, इसके पर उस जमाने में बहुत राजाओं को ये एक सुंदर आर्ट थी। इसी कारण से उन्होंने चार मीनार नामक एक इमारत को बनवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि इस तरह से किलों को मैं बनाऊंगा, और वो ख्वाहिश उनकी कुतुब शाह से पूरी हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के बीच बनवाया गया था यह चार मीनार। अपनी भव्यता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके चार मीनार हैं और बहुत ऊंची ऊंची मीनार है। चार मीनार की नक्काशी अद्वितीय है, इतनी सुंदर है, ऊपर जाकर देखने से सारे शहर का दृश्य बड़ा ही मनोहर लगता है। तो बच्चों चार मीनार में जब अपन चढ़ते हैं ऊपर, तो वहां से अपन जब देखते हैं तो नीचे का जो वातावरण है इतना सुंदर दिखाई देता है हमें। कभी आप लोग गए चार मीनार को, वहां पर चढ़े तो कितना सुंदर दिखता है ना। वो ऊंचे किले पर ठहर कर अपन नीचे से देखते हैं तो हैदराबाद कितना सुंदर दिखता है ना। तो इस तरह से चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया है, और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है अपने मुमताज बेगम के लिए। और इस तरह से अपनी अपनी एक एक निशानियों के हिसाब से राजा उस जमाने में मुसलमान राजा लोग किलों को बनवाया है। लाल किला शाहजहां है, शाहजहां ने ही बनवाया। जो ताजमहल को बनवाया ना शाहजहां, उसी राजा ने लाल किला को भी बनवाया था। गोलकुंडा किसने बनवाया बच्चों? कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था गोलकुंडा। चार मीनार को बनवाया ना गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह, उन्होंने ही गोलकुंडा को बनवाया। इबादत खाना, इबादत खान अकबर राजा ने बनवाया है। बच्चों समझ में आया कहानी आपको? तो इस तरह से मैं आपको इसका नोट्स फोटो द्वारा भेज दूंगी, और एक के बाद एक आप लोग नोट्स मुझे भेज दीजिए। चार मीनार का चित्र उतारिए पेंसिल से। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की नींव डाली। अपने समय में उन्होंने इस नगर की बड़ी उन्नति की, प्रगति की। उसने भागवती नामक एक हिंदू स्त्री से शादी किया। किन्होंने शादी किया? कुली कुतुब शाह ने भागवती नाम की एक लड़की से विवाह किया, जिसके नाम से भागवती नाम से भाग्यनगर नाम गिरा, और उस भाग्यनगर नाम से हैदराबाद नाम गिरा। बच्चों हैदराबाद नाम कैसा गिरा? वो भागमती अपनी पत्नी को, कुली कुतुब शाह ने अपनी पत्नी भागमती को हैदराबाद हैदर नाम का एक खिताब दिया, पुरस्कार दिया। खिताब यानी किताब नहीं बच्चों, खिताब सेकंड ख, तो खिताब नाम का एक पुरस्कार दिया उन्होंने। तो इस पुरस्कार से खिताब नाम से हैदर महल हैदर हैदराबाद का नाम गिरा। उसने भागवती नामक एक हिंदू स्त्री से शादी कर ली, उसी के नाम पर इस नगर को भाग्य नगर कहा जाता है। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाई। अपने समय में चार मीनार और दारू शिफा नामक इमारतों को बनवाया। दारू शिफा मालूम है बच्चों? वहाँ पर इमारत चार मीनार के पास ही है। अपने और अपनी प्रेयसी के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने इस नगर को बसाया। इसलिए हैदराबाद को कुली कुतुब शाह के सपनों का नगर कहा जाता है। हैदर महल हैदर नाम का उन्होंने क्या दिया? खिताब देने से, पुरस्कार देने से अपनी पत्नी भागमती को, तब से हैदराबाद नाम गिरा। बच्चों समझ में आया? सॉरी आपको।
ठीक है, समझ में आया ना? तो इस तरह से चार मीनार हमारे भाग्यनगर में यानी हैदराबाद में स्थित है, और वो भगवती नाम से उन्होंने हैदराबाद नगर को यानी हैदराबाद में चार मीनार को बनवाया। इससे मानवता में क्या पाठ मिलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर रहना। इस तरह से राजा उस जमाने में एक सिख हमें इस जातियों को दिया है। समझ में आया बच्चों? एक बार लेसन पढ़िए आप लोग टेक्स्ट बुक्स निकाल के। ओके।